सिवान आपको याद होगा कभी गन बल से आक्रांत था और आज धन बल से आक्रांत है। पहले गन के आतंक पे लोगों को आतंकित किया जाता था, उस समय भी अभिषेक अवधेश और चंद्रमा सिवान की सड़कों पर घुटने की सड़कों पर घूमने का काम करते थे और लोगों को जगाने का काम करते थे। आज धन बल का आक्रांत है। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने सिवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से। अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। साथियों, आपको जान के खुशी होगी हम उस जिले के निवासी है। सिवान जिला को ये क्रेडिट जाता है कि पहली कार्य समिति की घोषणा जीरादेही में प्रशांत किशोर जी ने आगे की थी। पूरे बिहार में पहली कार्य समिति की जो घोषणा हुई थी वो सिवान जिला के जीरादेही में हुई थी। तो हमारा कर्तव्य और हमारा दायित्व जनसुराज के प्रति और ज्यादा बढ़ जाता है। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि जनसुराज अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी बिहार में, क्योंकि आज जो भी लोग बैठे हुए हैं, प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, पहले के वक्ता कह गए, विभिन्न दलों में काम कर चुके लोग हैं, तपे तपाए लोग हैं, इन्होंने अपने कंधे पर उस दल को उस मंजिल तक पहुंचाया है। लेकिन वहां जाने के बाद आप अपने आप को छला हुआ महसूस किए, आपने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया, क्योंकि बातें तो मंचों से बहुत कही गई, बातें तो टीवीओ से अखबारों के माध्यम से बहुत की गई, लेकिन जमीन पर उसको उतारा नहीं गया। ठीक इसी प्रकार प्रशांत किशोर जी ने देश में कई सारी सरकारों को बनाने के बाद, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार भी स्थापित करने के बाद, उनको लगा कि हमने जिन उद्देश्यों के लिए, जिन चीज़ों के लिए सरकारों की स्थापना की, वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। और हमारा बिहार आज भी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब देश आज़ाद हुआ उस समय बिहार तमिलनाडु से ऊपर था रफ्तार के मामले में, प्रगति के मामले में, विकास के मामले में, और आज स्थिति हो गई कि हम नीचे से एक नंबर पर विराजमान है। ये सरकारी आंकड़ा कोई हमारा आंकड़ा नहीं है। प्रशांत जी को सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हमारा बिहार आज भी बदहाल है, हमारा बिहार का नौजवान आज भी रोजगार के लिए भटक रहा है। कितनी विडंबना है ये, आज़ादी के इतने दिनों बाद भी, जहां 25-30 वर्षों से एक ही दल की सरकारें रही लगातार, मात्र 1300 परिवारों के बीच में सत्ता की जो कुर्सी है, सियासत की जो कुंजी है, वो पूरे देश की सिमट के रह गई है। सरकार किसी की आए जाए, उन्हीं 1200-1300 परिवारों के बीच सत्ता का हस्तांतरण होते रहा है। इसका कारण हमारा विकास कार्यों पे पड़ा। तो निश्चित तौर पे आज आप देख ले, कोरोना को आपने देखा होगा नजदीक से, कोरोना में मुंबई से लेकर सिवान तक, अहमदाबाद से लेकर सिवान तक, चंडीगढ़ से लेकर सिवान तक, कलकत्ता से सिवान तक मजदूरों की एक लंबी लाइन लग गई थी। मुझे तो लगता है, और यही चीज प्रशांत जी के विजन में है, कि जानबूझकर बिहार को बेरोजगार की फैक्ट्री बना दिया गया। चूंकि आपने देखा पिछले दिनों, जब सिवान हमारा जो अतीत था, जो बिहार का अतीत था, नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ के 84 इंटरव्यू लिया करते थे, आज शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होगी हमारे लड़कों को अगर अच्छी शिक्षा लेनी हो तो आपको बिहार से पलायन करना है, तो आपको सिवान से पलायन करना है, अगर आपको अच्छी चिकित्सा लेनी है तो आपको सिवान से पलायन करना है, तो आपको सिवान से बाहर जाना है, और आपको सुरक्षित रहना है, सुरक्षा चाहिए, तो भी आपको बिहार से पलायन करना, सिवान से पलायन करना है। इन सब चीजों को देखते हुए उनके अंदर एक तरफ एक पीड़ा, और आपके माध्यम से, क्योंकि हमारी जो स्थिति है 4 साल 5 साल, हम लगातार, मैं बताऊं आपको, अवधेश जी बैठे हुए हैं, चंद्रमा जी बैठे हुए हैं, हम लोग के अंदर एक पीड़ा थी, एक कसक थी, लगातार हम लोग इस चीज को बात कर रहे थे कि कैसे क्या किया जाए ताकि समाज में जो राजनीतिक कुरीतियां है, राजनीतिक भ्रष्टाचार है, जो आज राजनीति को व्यापार बना दिया गया है। सिवान आपको याद होगा कभी गन बल से आक्रांत था और आज धन बल से आक्रांत है। पहले गन के आतंक पे लोगों को आतंकित किया जाता था, उस समय भी अभिषेक अवधेश और चंद्रमा सिवान की सड़कों पर घुटने की सड़कों पर घूमने का काम करते थे और लोगों को जगाने का काम करते थे। आज धन बल का आक्रांत है। हमारी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसी दरौली विधानसभा में जब प्रशांत जी की पदयात्रा आई हुई थी, तो हम तीनों भाई जाके वहाँ उनके उस पदयात्रा का जहाँ पड़ाव था द्रोण उच्च विद्यालय में, वहाँ हम लोगों ने जाके मिलने का काम किया था, और एक घंटे हम लोग प्रशांत जी से बात करने के बाद लगा कि नहीं, जो हमारी सोच है, जो हमारी तरफ है, हम अपने लोगों के लिए चिंतित है, और प्रशांत भी अपने लोगों के लिए और बिहार के लिए चिंतित है। हमें चिंता क्या होती है, हम राजपूत हैं, हम भूमिहार हैं, हम यादव हैं, हम कायस्थ हैं, इन सब चीजों से ऊपर उठना होगा। किसी वक्ता ने कहा, जातीय समीकरण से ऊपर उठकर मुझे अपने नेताओं के बेटा की चिंता नहीं होनी चाहिए, लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा ये चिंता हमारी नहीं होनी चाहिए, पासवान अगर हम है तो पासवान, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे ये नहीं होना चाहिए, अगर हम भूमिहार हैं तो हमारे विजय सिन्हा कैसे मुख्यमंत्री आ गए हमको नहीं सोचना है, हमारा बेटा आपका बेटा कैसे सुरक्षित हो, हमारा बेटा आपका
बेटा कैसे सुशिक्षित हो, उसके चिकित्सा की कैसे अच्छी व्यवस्था हो, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपने देखा होगा जब सिवान के पहले एक सूता फैक्ट्री हुआ करता था, दो दो चीनी मिले थी, छपरा में मोटन फैक्ट्री थी, उन सारी फैक्ट्रियों को बंद करके और आज हम मजदूर सप्लायर के सबसे बड़े क्षेत्र बने हुए हैं और पूरे विदेश में हमारे यहाँ से लड़के जाके काम कर रहे हैं। प्रशांत जी ने कहा है हमारी सरकार बनी, सही कहा विनोद जी ने, गली नाली बने या ना बने, सड़क एक साल तक बने या ना बने, लेकिन साल भर के अंदर 2025 में अगर हमारा बच्चा छठ में अगर घर पे आता है तो उसको मजबूरी में रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर नहीं जाना होगा।